नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ास है। आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे जहर के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में रासायनिक जहर की भरमार है, लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा जहर है जो कि काफ़ी अलग है, क्योंकि इसको ना तो खाने से बस सूंघने से ही किसी की इंसान की जान जा सकती है। आपने दोस्तों साइनाइड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे साइनाइड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। साइनाइड है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, लेकिन ये साइनाइड का भी बाप है। मैं बात कर रहा हूँ पोलोनियम 210 के बारे में। इसकी मात्र 1 ग्राम करोड़ों या फिर लाखों लोगों को पूरी तरीके से मार सकता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर मानते हैं। दोस्तों पोलोनियम 210 का आविष्कार भौतिक और रासायनिक वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने किया था 1898 में, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये देखिए कि 1950 में उनकी लड़की ने उसका एक कण खा लिया और जिसके वजह से उनकी बेटी का डेथ हो गई। पोलोनियम 210 जहर से ये सबसे पहला इंसिडेंट था डेथ का। उसके बाद दोस्तों पूरे दुनिया भर में इस जहर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया लोगों को मारने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है फिलिपिन नेता है जिनका नाम है यासिर अरफात। इसकी भी मौत जो हुई थी उसमें बाद में पता चला कि इसमें जिस जहर का इस्तेमाल किया गया था वो था पोलोनियम 210। इसी के साथ एक रूसी जासूस था, इनकी भी मौत में जब मालूम पड़ा वहाँ पे भी पोलोनियम 210 का नाम आया। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो आपने सुनंदा पुष्कर का नाम जरूर सुना होगा, जिसमें शशि थरूर काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड थे। इस केस में भी पोलोनियम जहर का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल दोस्तों पोलोनियम 210 एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना ज़्यादा एक्टिव होगा। जब ये अगर किसी के शरीर में चला गया तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम, साथ में DNA, इसके अलावा शरीर के जो इंटरनल पार्ट है वो तेज़ी से तबाह कर देता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इससे पता कर पाना कि उस व्यक्ति की मौत किस कारण से और कौन से जहर से हुई है ये आसान नहीं होता। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता कर पाए कि किसी इंसान की मौत पोलोनियम 210 जहर से हुई है, क्योंकि इस जहर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर पोलोनियम 210 एक नमक के छोटे से कण का हिस्सा भी अगर किसी के इंसान में शरीर में चला जाए तो तुरंत उस इंसान की मौत हो जाएगी, और पता कर पाना कि किस कारण से हुई है ये बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे। और साथ ही इसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल पता नहीं कर पाएगा इंसान जो खा रहा है, क्योंकि वो स्वाद बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों अगर आपको कोई पूछे कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है तो साइनाइड नहीं, वो है पोलोनियम 210। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने टाइप्स के होते हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने 23 वीडियोस बनाए हुआ है डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।